हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, और उस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। तो इस वाले लेक्चर में अगेन उसी पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो देखते जाना। क्वेश्चन नंबर वन, लेट अल्फा बीटा बी द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर रिस्पेक्टिवली द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एम। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके दो रूट्स दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, और पूछा क्या गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, मिनिमम वैल्यू को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है, मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल एम से। तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है, उसके बाद बता पाएंगे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम किसके बराबर होगा। ठीक, तो करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हमें गिवन है, तो ये दिख रहे हैं पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ये पता है। यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा पता चल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा पता चल जाएगा, अल्फा माइनस बीटा पता चल जाएगा। ठीक, फाइनली क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो करते हैं इसको। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, राइट? वैल्यूज पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा के, सो दिस इज के स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा, कितना के स्क्वायर प्लस के माइनस फाइव, तो कितना बन गया ये, दिस इज इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर माइनस टू के प्लस टेन, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक बात है ये। अब इसके बाद हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो तुम क्या बोल दोगे कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैसे चेक की जाती है, उसके लिए हमें रिजल्ट लिखा था कि अगर ए नेगेटिव है तो उसकी रेंज क्या होती है, माइनस इनफिनिटी से माइनस डी अपॉन फोर ए, और अगर ए पॉजिटिव होते तो माइनस डी अपॉन फोर ए से इनफिनिटी, ये होता है। तो मतलब कायदे से तो क्या लगेगा तुम्हें कि इसका ए नेगेटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस इनफिनिटी होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, माइनस डी अपॉन फोर ए होनी चाहिए। सारी बात समझ में, ठीक, ए नेगेटिव है, इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे मिनिमम वैल्यू माइनस इनफिनिटी आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए माइनस डी अपॉन फोर ए। बट क्वेश्चन से क्लियर है, क्वेश्चन से क्या देखते लगेगा कि अगर हम स्मॉल एम की वैल्यू माइनस इनफिनिटी रख दे और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे माइनस डी अपॉन फोर ए से, तो जो रिजल्ट आएगा दोनों को ऐड करके वो तो क्या आना चाहिए, माइनस इनफिनिटी आना चाहिए। तो देख के पता चलता है फिर तो क्वेश्चन का कोई ज्यादा सेंस बनेगा नहीं, ठीक है। तो गलती कहां पे हो रही है देखना इसको ध्यान से, इस पे डायरेक्ट हम रिजल्ट नहीं लगाएंगे। होगा क्या, इसमें ये मेंशन है कि अल्फा बीटा आर द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मतलब साथ में हमें ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि इसके जो दोनों रूट्स है ना वो रियल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रियल रूट्स की कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी साथ में, तो यहां पे हम रियल रूट्स की कंडीशन लगा रहे हैं। सो रियल रूट्स के लिए, फॉर रियल रूट्स डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, राइट? तो ये कंडीशन लगा के देखो, तो डी कितना, बी स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर प्लस के माइनस फाइव ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कितना बनेगा, ये माइनस का थ्री के स्क्वायर है उस तरफ लेके जा रहे हैं थ्री के स्क्वायर आएगा, माइनस का फोर के उस तरफ जाएंगे तो प्लस फोर के, और माइनस का ट्वेंटी लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसको चेक करो फैक्टराइज हो जाएगा क्या, माइनस सिक्सटी बन रहा है तो टेन और माइनस सिक्स पे चला जाएगा, सो थ्री के स्क्वायर माइनस सिक्स के प्लस टेन के माइनस ट्वेंटी लेस देन और इक्वल टू जीरो, थ्री के कॉमन k माइनस टू प्लस टेन कॉमन k माइनस टू लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो दो फैक्टर्स बने, k माइनस टू बना थ्री के प्लस टेन लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए तो मेथड लगाना, एक माइनस टेन बाई थ्री है, एक टू प्लस माइनस प्लस, तो k बिलोंग्स टू माइनस टेन बाई थ्री टू टू। ठीक, ये चीज तो अब ये पता चल गया कि अब हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, गिवन दैट k बिलोंग्स टू माइनस टेन बाई थ्री टू टू। ठीक, तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म बन गई, द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज रिस्ट्रिक्टेड। अब ये k में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो k को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उस केस में इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो वो हमें फाइंड करनी आती है ग्राफ वाले मेथड से करते होते हैं। ठीक है, तो देख लो इसका वर्टेक्स कहां पे होता है, माइनस बी अपॉन टू ए पे, तो माइनस बी अपॉन टू ए यहां से कितना आ जाएगा, माइनस बी मतलब टू अपॉन टू ए करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, तो
के इक्वल टू माइनस वन पे इसका वर्टेक्स होगा, के बोल लो एक्स बोल लो एक ही बात है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, माइनस टेन बाई थ्री से लेकर टू, तो माइनस टेन बाई थ्री कहां पे होगा, सो यहां पे कहीं पे मान लेते हैं के इक्वल टू माइनस टेन बाई थ्री और के इक्वल टू टू इसके राइट में होगा, तो यहां पे डिस्टेंस देख लेना किसके बीच में ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 by 3 और 1 में कितने का डिफरेंस आएगा देख लेते हैं यहाँ पे, 10 by 3 minus 1 तो कितना बन जाएगा ये 7 by 3, तो 2 point something का डिफरेंस है इसमें, और minus 1 और 2 में कितना डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस होगा, 3 का डिफरेंस होगा, तो k equal to 2 इससे ज्यादा दूरी पे होगा, ये मान लो k equal to 2, आ रही बात समझ में, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, माइनस वन और टू के बीच में 3 यूनिट्स का डिफरेंस है, और इसके बीच में कितना 10 by 3 minus 1 7 by 3 का डिफरेंस है, ठीक। तो बस अब देख सकते हैं इतने पोर्शन में देख रहे हैं हमें, तो इस ग्राफ को देख के क्या पता चलेगा, मिनिमम वैल्यू कहां पे दिखेगी, k इक्वल टू 2 पे, तो यहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू दिखेगी और यहां पे दिखेगी क्या मैक्सिमम वैल्यू, तो देख लो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू माइनस 1 रख रहे हैं, तो माइनस 1 रखोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस का 2, तो 1 1 प्लस 10 इज 11, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 11, और मिनिमम देख लो मिनिमम कहां पे आ रही है, k इक्वल टू 2 पे, तो k इक्वल टू 2 पे कितना बनेगा, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 10 इज 2, तो ये आ गया। सो रेंज कितनी आ गई, रेंज तो खैर हमसे पूछा भी नहीं गया, मिनिमम मैक्सिमम पूछा गया था, तो ये क्या हो गया कैपिटल m की वैल्यू और ये होगी स्मॉल m की वैल्यू, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल m कितना आ गया, 13 आ गया, चेक कर लो ये, ठीक है। तो बस इसमें यही चीज एक थोड़ी सी सोचने वाली थी कि यहां से हम k belongs to any real number नहीं रख सकते, हमें discriminant greater than or equal to 0 वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, वहां से हमें k की वैल्यूज मिल गई, तो एक बार अगर हमने k को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उस रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन के लिए हमें रेंज फाइंड करनी आती है, ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो वहां से हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया m plus m equal to 13। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, find the range of this expression y equal to 3 to the power x plus 1 minus 2 times 3 to the power 2x and minus 2। क्या पता चल रहा है ये, इसको चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, this is 3 times 3 to the power x minus 2 into, इसको लिख सकते हैं 3 to the power x का square minus 2, ये बात ठीक है। तो क्या पता चलेगा, this is a quadratic expression in 3 to the power x, ठीक है। तो चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको नया वेरिएबल मान लो, so put 3 to the power x equal to t, तो अब अगर इसको t मान लिए तो y e का फंक्शन बन जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 3t minus 2 times t square minus 2, ठीक बात है। तो इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। अब ध्यान रखना, एक पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन, उसमें क्या था, sin थीटा को हमने t माना था, ठीक है। और जब भी किसी के सब्स्टिट्यूशन करते हो तो देख लिया करो, उसमें हमने साइन थीटा के बारे में बोल दिया था कि वो माइनस वन और वन के बीच में होता है, सेम तरीके से इसमें चेक करके बताओ, ये जो 3 टू द पावर x है ना, तो अगर तुम्हें पता हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, x को जो मर्जी रखो फॉर एनी x बिलोंगिंग टू R, 3 टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, व्हिच इंप्लाइज t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन करोगे साथ में देख लेना t की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन ये बन गया कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, गिवन दैट t इज ग्रेटर देन 0 या फिर t बिलोंग्स टू 0 टू इनफिनिटी, ये बन गया। तो कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया हमने x की वैल्यू या फिर t की वैल्यू, तो करने के लिए ग्राफ प्लॉट कर लो, इसका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, वर्टेक्स कहां पे होगा, माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस 3 अपॉन यहां पे कितना बन जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा, तो 3 अपॉन 4, सो t इक्वल टू 3 अपॉन 4, ठीक। 0 से लेकर इंफिनिटी जा रहा है t, 0 कहां पे होगा, यहां पे पीछे कहीं पे t इक्वल टू 0 और यहां पे नीचे t इक्वल टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, इंफिनिटी पे मिलेगी, मैक्सिमम कहां पे मिलेगी, 3 बाय 4 पे मिलेगी, तो यहां पे आ जाएगी मिनिमम वैल्यू और यहां पे आ जाएगी कितनी, मैक्सिमम, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी आ रही है, सो मैक्सिमम कम्स आउट टू बी, t की जगह 3 बाय 4 रख रहे हैं, सो 3 टाइम्स 3 बाय 4 माइनस 2 टाइम्स 3 बाय 4 का स्क्वायर इज 9 बाय 16 एंड माइनस का 2, सो देख लो कितना बन गया ये, 9 बाय 4 माइनस 18, दिस इज 9 बाय 8,
एंड माइनस का 2, ठीक है। सो दिस इज 8 एलसीएम आ गया, 2 18 माइनस का 9 माइनस 16, दिस वुड बी 16 और 9 कितना हो गया 25 हो गया, माइनस 7.8। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई और मिनिमम कहां पे आनी थी, इंफिनिटी पे। तो जब तुम टी को इंफिनिटी रखोगे तो 3 इनटू इंफिनिटी, इसको देखना कैसे होगा, ये टी इक्वल टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस इंफिनिटी आ रही है, देख के पता चल रहा है, ठीक। टी जब इंफिनिटी होगा ग्राफ कहां पे जा रहा है, नीचे जा रहे हैं, माइनस इंफिनिटी पे जा रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी आ जाएगी डायरेक्टली। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो गई, माइनस इंफिनिटी से माइनस 7/8। माइनस इंफिनिटी पे तो ओपन आएगा, माइनस 7/8 क्योंकि इसके बीच में आ सकता है, तो माइनस 7/8 क्लोज हो जाएगी। देखो इसको ध्यान से, तो फिर से हमारा वही वाला रूल लगे कि द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज रिस्ट्रिक्टेड। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बी इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब नॉन रियल, राइट, देन फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन दिस इज ग्रेटर देन 4ab, लेस देन 4ab, ग्रेटर देन माइनस 4ab एंड लेस देन माइनस 4ab, ठीक है। AAEEE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लो एक बार ध्यान से, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि इसके जो रूट्स है वो नॉन रियल है, इमेजिनरी है, ये पहली इंफॉर्मेशन। पूछा गया है कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके बारे में पूछा गया, इसकी वैल्यू के बारे में, कि वो किससे ग्रेटर होगी और किससे लेस होगी। तो क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन की बात चल रही है, तो मतलब हम इसकी रेंज फाइंड करने की ट्राई करेंगे कि इसकी वैल्यू कहां से लेके कहां तक लाई करेगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक बात है ये, राइट। तो देखते हैं इसको, सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, अब क्योंकि इसके रूट नॉन रियल दे रखे हैं, इसका मतलब कंडीशन लगा देंगे दैट d इज लेस देन 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब c स्क्वायर माइनस 4ab इज लेस देन 0, तो ये कंडीशन हमें गिवन है, राइट। इस कंडीशन का यूज करके हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो इसको यहां पे अलग से देख लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या लिखा गया, 3b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6bcx एंड प्लस 2c स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी रेंज पूछी गई है। और x की वैल्यूज देख लीजिए, और x की वैल्यूज क्या दे रखे हैं, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो मतलब x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पता है इसकी जो रेंज आएगी, रेंज कैसी आएगी, a पॉजिटिव है इसका, तो रेंज क्या होगी, माइनस d अपॉन 4a से इंफिनिटी के बराबर इसकी रेंज होगी, ये होगी। तो इसका मतलब ये कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू तो पता चल गया इंफिनिटी है, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डी अपॉन 4a आएगी, ठीक। तो ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा माइनस डी अपॉन 4a के या तो इक्वल होगी या फिर इससे बड़ी होगी, ये बात ठीक है। तो बस देख लो माइनस डी अपॉन 4a को सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बनेगा, ये माइनस का डी देख लो, डी कितना आएगा 36b2c2, माइनस 4 करेंगे तो 4 * 3 * 2 24 बन जाएगा, 24b2c2, ये तो माइनस का d हो गया अपॉन 4a, तो 12b2 कितना बना, ये 36 माइनस 24 इज 12, माइनस का 12 तो माइनस 12b2c2 अपॉन 12b2, तो कितना आ गया, माइनस का c2 आया, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक। अब हमें किसकी टर्म्स में पूछा गया, 4ab की टर्म्स में। अब यहां से देखना, यहां से हमें क्या बताया ना कि c स्क्वायर जो है लेस देन 4ab है, तो माइनस c स्क्वायर के बारे में कमेंट कर ले, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस c स्क्वायर क्या आएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स, ग्रेटर देन माइनस 4ab, ठीक। तो मतलब ये पता चल गया, ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन माइनस 4ab, तो क्या पता चला कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन माइनस 4ab होगी, ये बात ठीक है। तो क्या पता चल गया कि इस एक्सप्रेशन की क्योंकि मिनिमम वैल्यू ही माइनस 4ab से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस 4ab, सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस 4ab, ठीक बात है। तो जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज पूछी होगी, पहली चीज क्या चेक करनी है कि उसका जो वेरिएबल है, जो x है,
क्या वो सारे रियल वैल्यूज ले सकता है या नहीं ले सकता। अगर सारी ले सकता है उस केस में तो डायरेक्ट रिजल्ट लगा देंगे कि a पॉजिटिव है तो रेंज क्या आ जाएगी माइनस डी अपॉन फोर ए से इंफिनिटी, और अगर सारी वैल्यूज नहीं ले सकता तो उस केस में हम ग्राफ वाले मेथड की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने मिनिमम वैल्यू यहां से देख ली रिजल्ट की हेल्प से, और मिनिमम वैल्यू हमने क्या देख लिया माइनस फोर ए बी से बड़ी आ रही है, तो हमने बोल दिया कि अगर सबसे छोटी वैल्यू ही इसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ही इससे बड़ी है तो पक्की बात है कि बाकी जितनी भी वैल्यू आएंगी वो भी सारी इससे तो बड़ी होंगी माइनस फोर ए बी से, तो रिजल्ट आ गया दैट द एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस फोर ए बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर x बिलोंगिंग टू 0 टू 2 इज 4। देख के समझ में आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है और उसकी लीस्ट वैल्यू पूछी गई है इस पर्टिकुलर इंटरवल में 0 टू 2 और वो दे रखा है 4 के बराबर है। ठीक है, तो कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, वही वाला कंसेप्ट है द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ द x इज रिस्ट्रिक्टेड, तो कंसेप्ट तो वही लगेगा। ठीक है, बट अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, अभी तक हमें पूरा एक्सप्रेशन गिवन होता था और ये इंटरवल गिवन होता था और हमें उस इंटरवल में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती थी, बट इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, पूरा रिवर्स कर दिया उस चीज को, इंटरवल देके यहां पे एक अननोन छोड़ दिया और उसकी लीस्ट वैल्यू हमें दे दी क्वेश्चन में कि बताओ k की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए इस इंटरवल में इस पूरे एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू 4 के बराबर आएगी। ठीक है, तो अब इसको खुद से ट्राई करो एक बार, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू जो हम अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, बट कंसेप्ट क्योंकि हमें आता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का ग्राफ की हेल्प से करते हैं, तो उसी की हेल्प से करने की ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते जाना, स्टेप्स वही भी फॉलो करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए थे। ठीक, तो देखना, सबसे पहले तो ये देख के पता चल रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू के एक्स प्लस के स्क्वायर, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक्स प्लस के का होल स्क्वायर बना रहे हैं, तो इस सारे को मैं वाई के बराबर मान रहा हूं के लिए, सो वाई इक्वल टू एक्स प्लस के होल स्क्वायर प्लस थ्री के, ऐसे लिखा गया। ठीक, हमें इसकी लीस्ट वैल्यू के बारे में कमेंट करने है जीरो से टू के बीच में, तो क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प लेंगे, तो जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे अपवर्ड पैराबोला बनेगा, वर्टेक्स कहां पे होगा, यहां से देख के पता चल रहा है एक्स इक्वल टू माइनस के पे होगा, या फिर यहां से देख लो माइनस बी अपॉन टू ए करोगे तो क्या आएगा एक्स इक्वल टू माइनस के, तो एक्स इक्वल टू माइनस के पे वर्टेक्स होगा। अब होता क्या है कि जब हम ग्राफ से लीस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, एक तो वर्टेक्स प्लॉट करते हैं इस पे और क्या करते हैं इंटरवल के एंड पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, तो x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 यहां पे हमें प्लॉट करना पड़ेगा, बट हमें नहीं पता x इक्वल टू 0 कहां पे आएगा, इसके राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा, x इक्वल टू 2 का नहीं पता राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू तो क्या है, वेरिएबल वैल्यू है, फिक्स वैल्यू तो है नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग केसेस बनाने पड़ेंगे, तो देखते जाने कैसे केसेस बना रहे हैं। तो केस नंबर वन, केस वन तो क्या बना लो, ये मान के चल रहे हैं कि जीरो भी इसके राइट हैंड साइड पे आएगा टू भी इसके राइट हैंड साइड पे आएगा, तो मतलब माइनस के इज लेस देन जीरो, ये वाला केस बना रहे हैं, जिसका मतलब क्या कि के इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये बनाया हमने पहला केस। तो जब हम ये केस बना के चल रहे हैं तो इस केस में दोबारा अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्या पता चलेगा, ये x इक्वल टू माइनस के वाला पॉइंट हो गया, x इक्वल टू जीरो इसके राइट में होगा और x इक्वल टू टू उसके भी राइट में होगा, ऐसे। ठीक, तो हम कितने इंटरवल के बीच में देखने में इंटरेस्टेड है, सिर्फ इतने इंटरवल में देखना है, और हमें चाहिए क्या, लीस्ट वैल्यू पूछी गई है, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, तो तुम क्या नोटिस करोगे कि इतने इंटरवल में लीस्ट वैल्यू कहां पे मिलेगी, एक्स इक्वल टू जीरो पे मिलेगी, सो द मिनिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक बात है, ओके, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे यहां पे पुट करके देख लो मिनिमम वैल्यू मिलेगी कितनी, सो वाई मिनिमम कितना मिलेगा, यहां पे पुट करते हैं x को 0, तो k स्क्वायर प्लस 3k, ये बनेगा k स्क्वायर प्लस 3k, और ये मिनिमम वैल्यू किसके बराबर दे रखी है हमें, 4 के बराबर, तो इक्वेट कर दो इक्वल टू 4, तो कितना बना ये k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0, k प्लस 4 k माइनस 1 इक्वल टू 0, k की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 आ गया एक माइनस 4 आ गया। ठीक बात है, बट हमें कंडीशन लगाई थी हमने कि k कैसा होगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो रिजेक्ट कर देंगे, तो यहां से एक सॉल्यूशन आ गया k इक्वल टू 1। ठीक, तो केस 1 का सॉल्यूशन क्या आ गया, k इक्वल टू 1 आ गया, सही बात है। तो केस नंबर 1 इज कंप्लीट, देन कमिंग टू केस नंबर 2,
और देख के बताओ कौन सा केस बनाया जाए। ये वाला केस हमें ले लिया कि 0 और 2 दोनों इसके राइट में है। अब कौन सा केस ले लेते हैं कि 0 और 2 दोनों इसके लेफ्ट में है, तो वो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, माइनस के शुड बी ग्रेटर देन 2। ये वाला केस बना रहे हैं कि माइनस के 2 से बड़ा है, जिसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, के इज लेस देन माइनस 2। ये वाला केस बना रहे हैं। अब फिर से जब तुम दोबारा ग्राफ बनाओगे कैसा दिखेगा कि x equal to minus k, vertex ये हो गया, x equal to 0 इसके लेफ्ट में और यहां पे कहीं पे x equal to 2। ठीक, तो फिर से इस इंटरवल में देखने में इंटरेस्टेड है, क्या पता चलेगा इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, x equal to 2 पे मिलेगी। सो मिनिमम वैल्यू विल अकर एट x equal to 2, और वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी फाइंड कर लो। सो y मिनिमम यहां पे करने हैं 2 plus k का होल स्क्वायर प्लस 3k, ठीक है, इसको इक्वल टू 4 कर दिया जाएगा मिनिमम वैल्यू को। तो कितना आ रहा है ये देख लो, दिस इज k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 7k प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 4। तो 4 4 कैंसिल आउट, k into k plus 7 equal to 0, दो वैल्यूज आ गई, या तो 0 होगा या फिर -7 होगा। अब क्योंकि k -2 से छोटा है, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, -7 वाला सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 को भर देंगे रिजल्ट। तो दूसरे केस का सॉल्यूशन क्या आ गया, k equal to -7 आ गया। ठीक, ये दो पॉसिबिलिटीज, और कौन सी पॉसिबिलिटी बच रही है कि माइनस के बीच में आ जाए, एक तरफ x equal to 0 आ जाए, एक तरफ x equal to 2, तो वो वाला केस भी ले लो। सो केस नंबर 3 कि 0 से 2 के बीच में हो जाए माइनस k, जिसका मतलब k -2 से 0, k belongs to -2 to 0, ये तीसरा केस मान के चल रहे हैं। इसमें देख लो ग्राफ कैसा बनेगा, ये x equal to minus k, this is x equal to 0, यहाँ पे कहीं पे x equal to 2, तो इस पूरे इंटरवल में अगर तुम देखोगे तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, x equal to minus k पे मिलेगी, लोएस्ट पॉइंट है वर्टेक्स है, तो मिनिमम एट x equal to minus k, और वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी देख लो, यहाँ पे x को माइनस k रखेंगे ये 0 बन जाएगा, तो 3k होगी, दैट मिनिमम वैल्यू इज 3k, और इसको किसके बराबर करेंगे, 4 के बराबर, तो यहाँ से k कितना आ गया, 4/3 आ गया। ठीक, तो ये वाली वैल्यू क्या इनके बीच में आ रही है, माइनस टू से जीरो के बीच में नहीं आ रही, तो रिजेक्ट करो इसको, ये नहीं आया, तो चेक कर लो क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती थी जो हमने केसेस बनाए हैं। ठीक है, इतने केसेस बनेंगे, तो पहले से ये सॉल्यूशन आ गया था k equal to 1, दूसरे से सॉल्यूशन आया था k equal to -7। एक चीज नोटिस करना कि k के हमने वैसे तो सारी वैल्यूज इंक्लूड कर ली है, पहले हमने मान लिया था k 0 से बड़ा है, फिर हमने मान लिया -2 से छोटा, फिर मान लिया -2 से 0, बट अभी हमने ये मिस कर दिया कि k equal to 0 वाला केस हमने नहीं लिया। ठीक है, तो k equal to 0 वाला लेके चेक करना, कि इसमें अलग से चेक कर लेना चाहो तो k equal to 0 वाला केस अलग से चेक करना, वो हमने नहीं लिया, k equal to -2 वाला केस हमने नहीं लिया, वो अलग से चेक करके देख सकते हो, उसमें पता चल जाएगा कि मिनिमम वैल्यू 4 के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, बट वो नहीं, तो अगर यहां से चाहो तो यहां से भी इंक्लूड कर सकते थे कि हमने माइनस के को लेस देन 0 लिया था, यहां पे चाहो तो क्या कर लेते, माइनस के लेस देन और इक्वल टू 0 कर लेते, तो k क्या हो जाता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहीं पे ले लो। तो उस केस में क्या होना था, ये वाला 0 पॉइंट यहां भी हो सकता था, ठीक है, बट उस केस में k इक्वल टू 1 आ जाता तब भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो -2 और 0 वाली वैल्यू हमने मिस कर दी है, वो चाहो तो तुम यहां पे इंक्लूड कर लो, -2 को यहां पे इंक्लूड कर सकते थे, अगर यहां पे करके कंफ्यूजन होती है जनरल स्टूडेंट्स को, तो उस केस में क्या होता कि k इक्वल टू 0 वाला अलग से कंसीडर कर लेना, लास्ट में k इक्वल टू -2 वाला अलग से कंसीडर कर लेना। ठीक है, तो वहां से देख सकते हो, वहां से तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ना ही तो 0 मिलेगा ना ही -2 मिलेगा। ठीक है, तो बस देख लो दो वैल्यूज आई, टोटल k इक्वल टू 1 आई और k इक्वल टू -7 आया, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सो देयर आर ओनली टू वैल्यूज ऑफ k, k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू -7। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखना पैराग्राफ गिवन है, इसके बेस पे दो क्वेश्चन आंसर करने हैं हमें। ठीक है, देखना इसको, पैराग्राफ इज क्या कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, फॉर ए एंड बी बिलोंगिंग टू आर माइनस जीरो, ए एंड बी दो नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है एक्सेप्ट जीरो, राइट, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सेटिस्फाइज दिस, ये रिलेशन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 7/4 इक्वल टू एफ ऑफ 7/4 माइनस एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, ऑल्सो द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 7x प्लस ए हैज ओनली वन रियल एंड डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। तो इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसके बेसिस पे हमें बताना है a प्लस b की वैल्यू।
तो एक तो हमें a और b फाइंड करने की ट्राई करनी है यहां से, और दूसरा मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इन 0 टू 3 बाय 2। एक बार अगर हम a और b की वैल्यू फाइंड कर पाए तो पूरे का पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन पता चल जाएगा, तो उस केस में इस इंटरवल के बीच में उसकी मिनिमम वैल्यू पता फाइंड किया आराम से। ठीक, तो बस देखना दो कंडीशंस का यूज करना है हमें, एक तो ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन ये fx = 7x + a has only one real and discrete solution। देखना इसको, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो fx गिवन है ax square plus bx plus a। अब ये जो कंडीशन है ना, इसको ध्यान से सुनना, f of x plus 7 by 4। तो पहली बात तो ये याद रखा करो, अगर तुम्हें fx गिवन है ना तो x के जगह जो मर्जी दे दे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए f of 1 बताओ तो क्या करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे। f of 10 पूछा जाए, x की जगह 10 रख देंगे। इसमें क्या बोला गया, f of x plus 7 by 4, तो f of x plus 7 by 4 के लिए सिंपली क्या करना, x की जगह x plus 7 by 4 रख देना, तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा तुम्हें। ये बात ठीक है, तो ये आएगा f of x plus 7 by 4 and similarly f of 7 by 4 minus x, तो x की जगह इस पूरे एक्सप्रेशन में 7 by 4 minus x रखना और कुछ भी नहीं है, तो a times 7 by 4 minus x का square plus b times 7 by 4 minus x plus b। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करना, इक्वेट करके कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी तो हमें मिलेगा क्या, यहां से रिलेशन बिटवीन a एंड b मिलेगा। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे सो वी विल गेट अ रिलेशन बिटवीन a एंड b। इतनी बात ठीक है, इसको करना अपने आप। ठीक है, इतना पार्ट a और b के बीच में। तो ये तो हो गया एक तरीका कि सिंपली इसकी वैल्यू यहां से उठा ली, इसकी वैल्यू उठा ली, दोनों को इक्वेट कर दिया, रिजल्ट आ गया। एक और तरीका देखना, इसी चीज को ना एक और तरीके से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। कैसे, क्या लिखा गया है देखना इसको। अगर मान लो कोई ग्राफ है ना क्वाड्रेटिक fx का, ठीक, इसमें यहां पे ये जो वर्टेक्स है ये x equal to a पे है, मान लो इसका वर्टेक्स x equal to a पे है, तो मतलब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट सपोज a है। अब हमें ये पता है कि वर्टेक्स के अबाउट ये पैराबोला क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि a के राइट पे मैं 1 यूनिट जाऊंगा और लेफ्ट में 1 यूनिट जाऊंगा, तो हमें पता है इस पे जो पॉइंट होगा और इस पे जो पॉइंट होगा उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, x equal to a वर्टेक्स है, a के 1 यूनिट राइट में गया, उसके कोरिस्पोंडिंग यहां पे कुछ y की वैल्यू आएगी, 1 यूनिट लेफ्ट में गया यहां पे कुछ y की वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी y की। तो अगर ये x equal to a था तो ये क्या होगा, ये पॉइंट पे x equal to a plus 1 होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, x equal to a minus 1, और दोनों पे y की वैल्यू बराबर होगी क्योंकि दोनों क्या होंगे, सेम हाइट पे होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि f of a plus 1 equal to f of a minus 1 होगा। ठीक बात है, सेम तरीके से अगर मैं 1 की बजाय 2 यूनिट आगे जाऊंगा और 2 यूनिट पीछे जाऊंगा, तो x equal to a plus 2 पे जो वैल्यू होगी, x equal to a minus 2 पे जो y की वैल्यू होगी, दोनों बराबर होंगी। तो ये भी होगा कि f of a plus 2 equal to f of a minus 2। ठीक, तो क्योंकि x equal to a vertex का x coordinate है, इससे जितने यूनिट में राइट में जाता हूं अगर उतने ही यूनिट लेफ्ट में जाऊं तो दोनों के corresponding जो पॉइंट्स आएंगे वो बराबर हाइट पे आएंगे। बराबर हाइट का मतलब दोनों पे y की वैल्यू सेम होगी, y की वैल्यू सेम होने का मतलब दोनों पे f of x की वैल्यू बराबर होगी। तो इसको ऐसे ही मैं जनरलाइज करता रहूं, भाई 1 गया 2 गया 3 गया, इन जनरल मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं x यूनिट इस तरफ जाऊं और x यूनिट इस तरफ जाऊं तो यहां पे जो पॉइंट आएगा x equal to a plus x वाला आएगा, और यहां पे कौन सा आएगा, a minus x वाला, तो अब भी दोनों पे f की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, f of a plus x equal to f of a minus x। ठीक, ये x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, 1 2 3 जो मर्जी करते जाओ। तो चेक करो, अगर x equal to a पे वर्टेक्स होता तो हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन बनता, और यहां पे भी ऐसे ही दे रखा है कि f of 7 by 4 plus x equal to f of 7 by 4 minus x। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 by 4 मिलेगी। तो इसका मतलब इस रिजल्ट को देख के हम सिंपली ये बता सकते हैं कि इसका जो वर्टेक्स होगा ना वो x equal to 7 पे होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं, 7 by 4 sorry x equal to 7 by 4। ठीक है,
तो इस चीज को दोबारा से देखना, एक बार समझने की ट्राई करना खुद से, ठीक है। पहली बार जनरली थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बट देखना इसको खुद से एक बार। हमने बस ये यूज किया कि x equal to a वाली जो लाइन होती है यहाँ पे वो इसकी सिमेट्री होती है, तो उसके राइट में अगर बराबर यूनिट जाओगे और लेफ्ट में भी उतने यूनिट जाओगे तो उसपे जो पॉइंट्स मिलेंगे दोनों बराबर हाइट पे होंगे, दोनों पे y की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। तो मतलब ये सिंपली कि इसी को देख के तुम बता सकते थे पहले स्टेप में कि x equal to 7/4 इसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। और हमें पता है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, तो इनडायरेक्टली यहां से हमें क्या मिल गया कि -b/2a क्या है, एक्चुअल में 7/4 के बराबर है। तो यहां से क्या मिल गया, a और b में रिलेशन मिल गया, क्या रिलेशन मिला, दैट 7a + 2b = 0। तो एक तरीका तुम्हारे पास ये हो गया कि अगर हम यहां से देख के इंटरप्रेट कर पाए कि x equal to 7/4 पे वर्टेक्स है तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, a और b में रिलेशन आ जाएगा, ये एक तरीका। अगर इतना कुछ नहीं करना, देख के अगर नहीं पता चल रहा तो जैसे पहले बताया था सिंपली इसकी वैल्यू निकाल लो मैनुअली, इसकी वैल्यू निकाल लो, दोनों को आपस में इक्वेट करना, वहां से भी तुम नोटिस करोगे ये रिलेशन आएगा a और b के बीच में, ठीक। तो कुल मिला के इस कंडीशन से हमें एक रिलेशन मिल गया a और b के बीच में। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे, fx equal to 7x plus a, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी, fx की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं वापस से, तो fx क्या है, ax square plus bx plus a, this is equal to 7x plus a, ये दे रखा है। तो a a कैंसिल आउट हो गया, क्या बन रहा है यहां से, ax square plus bx minus 7x equal to 0। ये एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, सारे में से x कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा, ax plus b minus 7 equal to 0, तो x equal to 0 एक रूट आया, दूसरा कौन सा आया, 7 minus b upon a, ठीक। तो यहां से दो रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक के, बट इसने क्या बोला है कि दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, एक ही डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा। तो यहां से अगर एक रूट तो हमने फिक्स कर दिया, x बराबर 0 तो आएगा आएगा, इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि दो डिस्टिंक्ट ना आए, एक ही डिस्टिंक्ट आए, तो उसका मतलब क्या होगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू 0, तभी बोल पाएंगे कि एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। अगर इसकी वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और आ गई तो क्या हो जाएगा, दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो कंडीशन फेल हो जाएगी। तो हमने बोल दिया कि एक रूट तो जीरो आने ही आना है, तो दूसरे को भी जीरो होना पड़ेगा, जैसे इसको जीरो करोगे इसका मतलब बी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 7 आ गई, बी इज इक्वल टू 7, ठीक। तो b की वैल्यू 7 आ गई, यहां पे रख दो, यहां से क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, तो b equal to 7 यहां पे रखोगे तो कितना आएगा, 7 equal to minus 14, तो a equal to minus 2, तो a और b दोनों वैल्यूज पता चल गई, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा a plus b, a plus b कितना आ गया, 7 minus 2 is equal to 5, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 5, ये बात ठीक है। दूसरे के लिए fx की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, a और b पता चल गया, यहां पे वैल्यू पुट कर दो तो fx कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, तो ax square minus 2x square plus bx plus 7x plus a minus कर दो, ये है fx, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है किसमें, 0 से 3/2 में, तो ग्राफ वाले मेथड की हेल्प लेंगे, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, वर्टेक्स कहां पे आएगा, 7/4 पे, अभी देखा था हमने 7/4 पे आ रहा है, ठीक है। इसके बीच में पूछा गया 0 से 3/2, तो x equal to 0 तो इसके लेफ्ट में होगा, 3/2 का मतलब 1.5 और ये कितना है 1.75, तो मतलब x equal to 0 भी इसके इस तरफ होगा, x equal to 3/2 भी इसी तरफ होगा, तो मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, x equal to 0 पे मिलेगी, इस पे मिल जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो यहां से देख लो मिनिमम वैल्यू मतलब f of 0, x को 0 रख दिया तो कितनी आ रही है, -2 आ रही है, तो इसका मतलब द मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक बात है। तो इसी के साथ टॉपिक हमारा कंप्लीट है, राइट। सो ओके, थैंक यू।